एपेक्स है, ये पूरा लेफ्ट वेंट्रिकल से बनता है और इसको हम रखेंगे इंडेक्स फिंगर पे और थोड़ा सा इस साइड टेंटेड होता है, तो इसके अपने तीन सरफेस आ जाते हैं, स्टर्नो कोस्टल सरफेस, लेफ्ट सरफेस और डायफ्रेगमैटिक सरफेस। उसके बाद चार बॉर्डर्स हैं, राइट बॉर्डर ये है सुपीरियर वेना कावा से इन्फीरियर वेना कावा तक राइट बॉर्डर, इन्फीरियर वेना कावा से एपेक्स तक इन्फीरियर बॉर्डर राइट, फिर ये है लेफ्ट बॉर्डर, ये आएगा अपना ये जो लेफ्ट एट्रियम है इससे लेके एपेक्स तक, और सुपीरियर बॉर्डर दिखता नहीं है, ठीक है हाँ वो लेकिन इधर ही होता है, यहाँ से नहीं दिखता है ऑर्टा पल्मोनरी ट्रंक की वजह से। उसके बाद चार ये होते हैं चेंबर्स अपने, ये वाला हो गया लेफ्ट वेंट्रिकल पूरा, ये ज़्यादा मस्कुलर होता है, ये है राइट वेंट्रिकल, ये है राइट एट्रियम, इसमें मस्कुलर एक्सटेंशन है, इसको बोलेंगे राइट ऑरिकल, ये है लेफ्ट ऑरिकल और ये है पूरा राइट लेफ्ट एट्रियम, सॉरी इसमें ये खुल रहे हैं अपनी पल्मोनरी वेन्स की ओपनिंग होती है। जो राइट एट्रियम है उसमें एक तो की सुपीरियर वेना कावा की ओपनिंग ये वाली और ये है इन्फीरियर वेना कावा की ओपनिंग। उसके बाद लेफ्ट जो वेंट्रिकल है उससे एओर्टा आ जाएगी नीचे से और लेफ्ट वाले से